हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि मौर्योत्तर काल जो था वो कंप्लीट हो चुका था। प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल कंप्लीट हुआ था। अब मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल है, ठीक है। तो आज गुप्त और गुप्तोत्तर काल देखेंगे। तो गुप्त गुप्त काल अभी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, ठीक है। तो गुप्त काल के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हैं, जैसे क्या है कि इनका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 275 एडी से 550 एडी तक, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में हमने मौर्य काल भी पढ़ा है, वैदिक काल, उससे पहले हमने वैदिक काल पढ़ा है, फिर उससे भी पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ चुके हैं। मौर्योत्तर काल में भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कनिष्क का शासन काल पढ़ लिया था हमने। ये कौन है? ये जो है वो बाह्य आक्रमणकारी आक्रांता लोग जो आए थे उसमें अंतिम वंश था कनिष्क का, और उसमें जैसे हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण, तो कुषाण शासक थे कनिष्क। कनिष्क सबसे महान शासक हुए और कनिष्क अपने वंश के सबसे महान शासक हुए। और उन्होंने क्या किया था कि अपने साम्राज्य का विस्तार उन्होंने मध्य एशिया से लेके उत्तर प्रदेश और बिहार तक उनका राज्य विस्तार था। और उन्हीं के टाइम पे जो भारत, मतलब दोनों मध्य एशिया और भारत, इनमें अंतर क्षेत्रीय संस्कृति और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, ऐसा भी हम बताए थे और ऐसा भी पढ़ा गया था, ठीक है। तो आज है गुप्त काल पढ़ेंगे हम। गुप्त काल के बारे में क्या है कि गुप्त काल के संस्थापक जो रहे हैं वो रहे हैं श्री गुप्त। श्री गुप्त जो थे गुप्त काल के संस्थापक हैं, और गुप्त काल की स्थापना इन्होंने की थी 275 एडी में, ठीक है। 275 एडी में श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो इनका ज्यादा नहीं, अब इन पे एक ही क्वेश्चन यही बन सकता है कि संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम से हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे। वीडियो देखिए, ये जो वीडियो है ये यूपीएससी या स्टेट पीएससी या फिर जो भी अन्य एग्जाम्स होते हैं उनमें इतिहास पूछा जाता है, और इतिहास के ये सारे क्वेश्चन हैं। जैसे गुप्त वंश से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं कि संस्थापक कौन रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे, इनका इनकी उपाधि क्या रही है, ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या रहा, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही यह चैनल, ये वीडियो जो है और भी लोगों तक पहुंच सकता है, ठीक है। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि अगर वीडियो कोई नया आता है, दूसरा वीडियो अगर अपलोड किया जाता है तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा आपके पास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम कौन है? ये गुप्त गुप्त काल के सबसे शक्तिशाली, पहले शक्तिशाली शासक हुए। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। इनका टाइम पीरियड जो है 319 से 335 के बीच रहा है। 319 से 335 के बीच जो रहा है वो चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल रहा है, और सबसे शक्तिशाली, पहला सबसे सबसे शक्तिशाली शासक था ये। इनकी उपाधि क्या रही? महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की, और ये जो है अपनी महत्ता को सूचित करने के लिए इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने एक संवत चलाया था। संवत का नाम था क्या था? संवत। संवत का नाम था गुप्त संवत। वो था 319 एडी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई,
और चलाया किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और क्यों चलाया? इसी साल इन्होंने राजगद्दी संभाली थी, मतलब सत्ता का सत्ता जो है इनके हाथ में आई थी 319 में। और 319 को इसीलिए इन्होंने गुप्त संवत का की शुरुआत कर दी 319 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन है? समुद्रगुप्त भी गुप्त काल के ही शासक हैं। इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी, प्रश्न ये भी आता है, इस तरीके से भी आ सकता है, या प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि विंसेंट स्मिथ द्वारा रचित वो कौन सी किताब है जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक ऐसी किताब है जिसकी रचना विंसेंट स्मिथ ने की थी और इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है कि इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है, प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं इसको, इसमें किसका प्रशंसात्मक वर्णन किया गया है? तो समुद्रगुप्त का प्रशंसात्मक वर्णन किया गया है। और हरिषेण है, हरिषेण ने इसको लिखा था। किसमें लिखा गया है? संस्कृत में। हरिषेण द्वारा संस्कृत में लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद का अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के किसमें है? प्रशंसात्मक वर्णन करता है। ठीक है, अब आइए प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जानते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त को पढ़ रहे हैं तो प्रयाग प्रशस्ति को जानना जरूरी है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति क्या भाई? प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करता है। ठीक, दूसरा इससे जो है पता चलता है कि इस समय संधि विग्राहक खाद्य पाकि कुमारामात्य और महादंड नायक इन चार अधिकारियों का वर्णन भी प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है जिसको हरिषेण ने संस्कृत भाषा में लिखा था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन से हैं अधिकारी? संधि विग्राहक, खाद्यट पाकिक, कुमारामात्य और महादंड नायक। ठीक है, चलिए प्रयाग प्रशस्ति जो थी अशोक द्वारा लिखी गई थी, अशोक द्वारा निर्मित थी प्रयाग प्रशस्ति, जो मूलतः कौशाम्बी में था। ये पहले कौशाम्बी में अशोक ने स्थापित किया था, बाद में क्या हुआ कि इसको समुद्रगुप्त ने भी इस पर अपना वर्णन किया, प्रशंसात्मक वर्णन करवाया। फिर इसी को अकबर क्या किया, इलाहाबाद में लाके स्थापित करवाया था। अकबर महान है, अकबर महान ने क्या किया, कौशाम्बी में स्थापित अशोक के द्वारा जो स्तंभ रहा है उसको इलाहाबाद में लाके स्थापित करवाने का काम किया अकबर ने। ठीक है, अब इसी प्रयाग प्रशस्ति में जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख किया गया है। ये भी प्रश्न आ चुका है पहले, स्टेटमेंट के रूप में भी आया है और सीधे प्रश्न के रूप में भी आया हुआ है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो शकारी, इन्होंने शकों को पराजित किया था और शकों को पराजित करने के उसमें इन्होंने अपना नाम रखा शकारी। इन्होंने अपना नाम रखा मतलब उपाधि धारण की, और साथ में शक विजेता जिसको बोलते हैं। ठीक है, शकारी इन्होंने अपनी उपाधि रखी है। और साथ में एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि जो शक शासक था जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था रुद्र सिंह थर्ड। ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय को इन्होंने पराजित किया था, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसके उपलक्ष्य में इन्होंने शकारी या शक विजेता की उपाधि धारण की। ठीक है, इनको शक विजेता कहा जाता है। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ। इनकी उपाधि क्या रही है? विक्रमादित्य इनकी उपाधि रही है। इनके जो और नाम हैं मिलते हैं
वो आपके देवगुप्त के नाम से भी मिलते हैं। तो विक्रमादित्य उपाधि है, एक और नाम इनका है देवगुप्त, इस पर भी प्रश्न आ चुका है पहले, तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस रखना है, ठीक है। चलिए आगे है सांची और वाकाटक। सांची और वाकाटक अभिलेख से इनका इसका प्रमाण मिलता है, सांची और वाकाटक अभिलेख से भी इनका प्रमाण मिलता है, किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो इसका मतलब है कि सांची और वाकाटक में भी क्या है, इनका कुछ ना कुछ प्रभाव रहा है, ठीक है। इनके और नाम क्या क्या रहे हैं, देवराज, देवश्री। अब देखिए क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के और नाम क्या क्या हैं, एक तो देवगुप्त हो गया, दूसरे देवराज, आगे देवश्री, उपाधि रही है विक्रमादित्य। ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने मेहरौली का लौह स्तंभ स्थापित किया था। मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कि ये दिल्ली में है, कुतुब मीनार के प्रांगण में है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अगर आप गए होंगे कुतुब मीनार को देखा होगा, तो वहाँ पे क्या क्या है, कुतुब मीनार ही है सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ वहाँ पे अलाई दरवाज़ा भी है, जो कि बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है, और वहीं पे मेहरौली का लौह स्तंभ भी स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है आगे। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक हुए, कौन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक यही हुए थे, ठीक है। इसके अलावा हमने मेहरौली स्तंभ के बारे में बताया था अभी, मेहरौली स्तंभ लेख, तो मेहरौली स्तंभ अभिलेख में हमने पहले भी पिछले वीडियोज में भी हमने बताए थे कि विष्णुपद पर्वत पर इन्होंने क्या किया था, विष्णु ध्वज की स्थापना की थी, विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। इससे इनके वैष्णव धर्म के वैष्णव धार्मिक होने के प्रमाण मिलते हैं। तो इन्होंने परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी, इससे भी पता चलता है कि वैष्णवी वैष्णव मत को मानते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कल एक प्रश्न था, प्रश्न ये था कि लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में हम पढ़े थे कि पैरामाउंट सी की नीति अपनाई थी उन्होंने, पैरामाउंट सी को बोलते हैं सर्वोपरि, सर्वोपरिता होती है। तो पैरामाउंट सी की नीति अपनाई उन्होंने, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था तब लॉर्ड हेस्टिंग ही थे, ठीक है। और उसमें उसके बाद क्या हुआ था कि पेशवा को हटा दिया गया पद से, पेशवा को क्या पेंशन दे के भेज दिया गया बिठूर, उसके साथ में क्या किया, अच्छा तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसका रीजन क्या था, उसका मेन मोटिव ये था, हमारा प्रश्न भी यही था कल, कि पिंडारियों का दमन करना, पिंडारियों का दमन करने के ही कि करने की नियत से क्या हुआ कि लॉर्ड हेस्टिंग ने तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध करवा दिया। अंततः क्या हुआ, पिंडारियों का दमन हुआ भी और पेशवा का पद भी समाप्त हो गया। तो हमारा यही प्रश्न था, लेकिन आप लोगों ने उसका उत्तर नहीं दिया था, एक किसी ने उत्तर दिया तो वो पूछा कुछ और गया था, बताए कुछ और थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आते हैं इस पर। हमने पहले बताया था कि शकों को पराजित करने के कारण इनको शकारि कहा जाता है, और शक शासक थे रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है। पराजित किया, पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन, पश्चिमी भारत में थे, पश्चिमी भारत में कौन, शक वंश के लोग वहाँ पे शासन करते थे, जो कि रुद्र सिंह तृतीय, और रुद्र सिंह तृतीय को क्या किया, इन्होंने पराजित किया और शकारि की उपाधि धारण की, इनको शक विजेता भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में शकों को हराने के ही उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया, रुपया नाम का एक चांदी का सिक्का भी चलाया था। रुपया नाम का सिक्का, ये प्रश्न आ चुका है पहले भी, तो रुपया नाम का सिक्का इन्होंने कब चलाया, रुपया नाम का सिक्का इन्होंने चलाया है जब इन्होंने शकों को पराजित कर दिया था और
शक को क्या किया, पश्चिमी भारत से उनका उन्मूलन कर दिया था। उस समय इन्होंने रुपया के नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे, इनके समय पे एक चीनी यात्री आया था। चीनी यात्री का नाम क्या था? नाम था फाहियान। फाहियान आए, फिर ह्वेनसांग आए, फिर कौन आते हैं? इत्सिंग। तो इनका क्रम जरूर, इनका क्रम पहले भी आ चुका है एग्जाम में, परीक्षा में आपके, तो अभी भी इनको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले फाहियान, फिर ह्वेनसांग, ह्वेनसांग उसके बाद है इत्सिंग का नाम आता है। ठीक है, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। हम आगे पढ़ेंगे जब, तब इनके बारे में भी, ह्वेनसांग और इत्सिंग के बारे में भी बातें होंगी। अभी हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। और कल हम पर पिछला वीडियो जो था, अभी कल का ही वीडियो था, उसमें क्या था कि अष्ट दिग्गज की बात हुई थी। तो अष्ट दिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार पर सुशोभित करते थे। ठीक, यही चीज शिवाजी के भी दरबार में था, छत्रपति शिवाजी, उनके भी दरबार में ऐसे ही था। साथ में चंद्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य जो हैं, इनके भी दरबार को नवरत्न सुशोभित करते थे। ठीक है, तो ये नवरत्न कौन कौन से थे ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये नवरत्न कौन कौन से भाई? सबसे पहले कालिदास, महाकवि कालिदास रहे, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं इन्होंने की थी। ठीक है, आगे है धन्वंतरी। धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय के महान चिकित्सक माने जाते थे। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे है वराहमिहिर। वराहमिहिर जो थे खगोलज्ञ भी रहे हैं। ठीक है, वराहमिहिर जो है, जो थे कौन, वो खगोलज्ञ थे। ठीक है, अगले हैं अमर सिंह। अमर सिंह ने किताब लिखी अमरकोश। अमरकोश इनकी एक किताब है और ये कोशकार थे। ठीक है, अच्छा, अमर सिंह के अमरकोश में हमने एक चीज बताया था, अगर आपको ध्यान होगा। ठीक है, विष्णु के नामों का उल्लेख किया गया है किसमें? अमरकोश में, अगर पता हो आपको, आपको ध्यान होगा तो, हमने बताया था पिछले वीडियो में, पिछले लास्ट से भी लास्ट, लास्ट से भी लास्ट वाले वीडियो में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। शंकु कौन है? शंकु है वास्तुकार। शपड़क, शपड़क कौन भाई? शपड़क जो है ये आपके हैं रत्न फलित ज्योतिषी। ठीक है, तो रत्न फलित ज्योतिषी के बारे में हमने क्या बताया था? बताया वैसे कुछ नहीं था, सिर्फ पूछ रहे हैं अभी। रत्न फलित ज्योतिषी थे आपके छपड़क। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ज्योतिष विद्या जो थी वो कहाँ से आई? जब हमारे यहाँ मध्य एशिया से संबंध बने। ठीक है, हमने वही अभी बताने का प्रयास किया कि हमने इसके बारे में आपको पहले बता रखा था, लेकिन ये रत्न फलित ज्योतिष थे, वो हस्तरेखा वाले नहीं थे। ठीक है, आगे वर रुचि हैं। वर रुचि, वर रुचि कौन है? वैयाकरणज्ञ हैं, वैयाकरणज्ञ। ठीक है, वैयाकरण ऐसे, वैयाकरण इसी में जोड़ दो ज्ञ, वैयाकरणज्ञ थे। ठीक है, आगे कौन कौन अभी भाई? अभी दो बचे हैं, वो दो लोग कौन हैं? एक तो है बेताल भट्ट। विक्रम बेताल की कहानी खूब सुने होंगे। ठीक है, तो वे वही विक्रम बेताल है। ठीक है ना, तो बेताल भट्ट है वो जादूगर है। ठीक, और अंतिम है घटकर्पर।
घटकर्पर जो रहे हैं वो कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि घटकर्पर कूटनीतिज्ञ हैं, बेताल भट्ट जादूगर हैं, वररुचि वैयाकरणज्ञ हैं, धन्वंतरी महान चिकित्सक थे, ऐसे ऐसे लोग रहे। ठीक है, और वराहमिहिर आपके खगोलज्ञ हैं, अमर सिंह कोशकार हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आगे कौन है? आगे हैं कुमार गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। कुमार गुप्त प्रथम नाम है इनका, इनको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, ये लिखा गया है। महेंद्रादित्य भी कहा जाता है किसको? कुमार गुप्त को। ठीक है, और एक सबसे बड़ी चीज इनके बारे में बताई जाती है कि सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो कुमार गुप्त के ही हैं। सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिले? कुमार गुप्त के सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिले हैं? तो आपको पता होना चाहिए, कुमार गुप्त के। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। चलिए देखते हैं, अभी है इसमें लिखा गया, पहले से भी मौजूद है, अब देखते हैं इसके बारे में। कुमार गुप्त को कुमार गुप्त की उपाधि रही है महेंद्रादित्य, और माता का नाम इनके रहा है ध्रुव देवी। ध्रुव देवी माता हैं, और इनका नाम है, उपाधि रही है महेंद्रादित्य। ठीक है, अभी बताया गुप्तकालीन सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं किसके? कुमार गुप्त के ही। और इसमें एक अभिलेख है बिलशद, बिलशद अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम तक के गुप्तकाल की जानकारी मिलती, मतलब श्री गुप्त से लेके कुमार गुप्त प्रथम तक की जानकारी अगर हमें कहीं मिलती है तो वो है बिलशद अभिलेख। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल से ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, बंगाल से ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, और ताम्रपत्र जो हैं तीन स्थानों से मिले हुए हैं। ठीक है, बंगाल में ही तीनों जगह है, वो तीनों जगह कौन कौन सी है? एक तो है धनदेह, दूसरा दामोदरपुर, और तीसरा है वैग्राम। धनदेह, दामोदरपुर और वैग्राम ताम्रपत्र अभिलेख किसके समय के हैं? कुमारगुप्त के समय के हैं, और बंगाल में ये पाए गए हैं। ठीक है, चलिए। इन्होंने स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं इनके टाइम की हैं। इन्होंने स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राओं का प्रचलन किया होगा, इसलिए मिलते हैं। ठीक है, ये भी चीज हो गई। अब इनकी जो मुद्राएं रही हैं उन पर कुछ उपाधियां रही हैं। एक तो महेंद्रादित्य उपाधि है, तो महेंद्रादित्य के अलावा भी कुछ उपाधियां रही हैं। जैसे क्या? महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह और अश्वमेध महेंद्र। तो महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह और अश्वमेध महेंद्र नाम किसका है? किसका वर्णन कर रहा है ये नाम? तो आपको पता होना चाहिए, कुमारगुप्त प्रथम का के बारे में बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे हैं। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त को क्यों जानते हैं? स्कंदगुप्त को याद करते हैं हूणों के आक्रमण से। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के टाइम से होने लग जाता है, तो स्कंदगुप्त के हम याद करते हैं हूणों के आक्रमण से। ठीक है, चलिए। स्कंदगुप्त उपाधि रही क्या इनकी? क्रमादित्य। तो पूरा नाम हुआ स्कंदगुप्त क्रमादित्य। ठीक है, इनके सिक्कों पर क्या क्या मिला है? मुख्य भाग पर अगर देखा जाए धनुष बाण लिए राजा की आकृति, और पीछे वाले भाग पर पद्मासन पर बैठी लक्ष्मी की आकृति। वैष्णवी, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और विष्णु के जो अर्धांगिनी हैं वो लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी की आकृति भी इनके सिक्कों पर मिलती है, वो भी पिछले वाले भाग पर। सामने क्या है? धनुष बाण लिए राजा की आकृति छपी हुई है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखें। आगे क्या है कि कुछ सिक्कों पर गरुड़ ध्वज तथा इनकी उपाधि क्रमादित्य भी अंकित है। कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं कि उन पे गरुड़ ध्वज और क्रमादित्य इनकी उपाधि जो थी वो दोनों छपे हुए हैं।
ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, होड़ों का जो पहला आक्रमण हुआ है वो सबसे पहले स्कंदगुप्त के ही टाइम पर हुआ है, ठीक है। तो होड़ों का आक्रमण सबसे पहले किसके टाइम पे हुआ? स्कंदगुप्त के समय पे ही हुआ था। वो भी कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये हुआ कब था। तो ये जो हुआ था होड़ों का पहला आक्रमण, ये हुआ था 455 एडी में। 455 एडी में सबसे पहले स्कंदगुप्त के समय पर होड़ों का पहला आक्रमण हुआ था, ठीक है। स्कंदगुप्त ने लेकिन उनको परास्त भी किया, स्कंदगुप्त ने उनको परास्त भी किया था। और ये चीज मिलता है हमें भीतरी स्तंभ लेख से, भीतरी स्तंभ अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि होड़ों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ 455 एडी में, और इसमें स्कंदगुप्त ने उनको पराजित भी किया था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए, अच्छा एक चीज थोड़ा सा और हमने अभी बताया नहीं था, हो सकता यहाँ पे हो भी ना, तो ये भी ध्यान रखें कि जो होड़ों का आक्रमण हुआ था उससे क्या फायदा हुआ था, क्या नुकसान हुआ। उससे फायदा या नुकसान जो भी हुआ, लेकिन एक बात साफ हुई कि जो भारत है उस समय का भारत, उस क्या हुआ, उसका जो व्यापार हुआ क्या, वो दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर इसकी निर्भरता बढ़ गई। दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर भारत की निर्भरता क्या हुई, बढ़ गई। मतलब अधिक आत्मनिर्भर हो गए, अधिक आत्मनिर्भर हो गए अगर आता है ऑप्शन में तो भी सही है, अगर बढ़ जाती बोलते हैं कि निर्भरता बढ़ गई तो भी सही माना जाएगा, ठीक है। निर्भरता बढ़ गई, ठीक है, ये चीज। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम तोरमाड़ हैं, हूड़ हैं, ये हूड़ आक्रमणकारी हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी होनी चाहिए। कौन थे, कैसे दिखते थे, ये तो नहीं पता, लेकिन हूड़ थे तो जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो दूसरा हूड़ जो आक्रमण होता है भारत में, उसका नेता कौन होता है, आपके तोरमाड़ जो होता है वो दूसरे हूण आक्रमण का नेता होता है, ठीक है। दूसरा चीज कि एरण से जो प्राप्त वराह प्रतिमा है उस पर खुदा हुआ एक अभिलेख है धन्य विष्णु, उस पर अभिलेख खुदा हुआ वराह प्रतिमा पे, वराह प्रतिमा एरण अभिलेख है वहां पे, एक क्या है एरण अभिलेख है वहां से एक वराह की प्रतिमा मिली हुई है, उस पर खुदा हुआ है धन्य विष्णु को सामंत बताया गया है। कहाँ पे? एरण से प्राप्त जो वराह प्रतिमा है उस पर धन्य विष्णु को क्या बताया गया है, सामंत बताया गया है। किसका सामंत बताया गया है, तो आपको ध्यान रखना है किसको, तोरमाड़ को बताया गया है, ठीक है। चलिए, अब ये जो थे मिहिरकुल के पुत्र थे, अब मिहिरकुल के पुत्र थे तो दूसरा आक्रमण इन्होंने अगर किया है तो पहला आक्रमण हो सकता है मिहिरकुल ने ही किया हो, क्योंकि पिता थे। अब जब पिता हैं तो उनके भी बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पिता और पुत्र की जानकारी बराबर से रखनी पड़ती है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है कि मिहिरकुल जो थे अत्यंत क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति थे, पहली बात। दूसरी चीज, होयसांग इनके बारे में बताते हैं, और दूसरा मंदसौर अभिलेख है उसमें ये कहा जाता है कि गुप्त नरेश बालादित्य और मालव नरेश थे यशोधर्मन, इन दोनों ने पराजित किया था किसको, मिहिरकुल को। मिहिरकुल को कौन कौन ने पराजित किया है, बालादित्य और मालव नरेश यशोधर्मन, ठीक है। सॉरी, पहला जो हूण आक्रमण हुआ था वो मिहिरकुल नहीं, कोई और रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ है, ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं, जो भी हो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि अब गुप्तकालीन व्यापार के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि गुप्तकालीन जो शासक रहे हैं वो सब हो गया।
अब इसके व्यापार के बारे में देखते हैं, इनका व्यापार कैसे चलता था, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, इनके यहाँ समाज में लोग कैसे रहते थे, ये सब चीज़ें अब थोड़ा ध्यान रखना है। तो भाई गुप्तकालीन जो व्यापार हुआ करता था उसके लिए एक प्रमुख बंदरगाह माना जाता था ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति वह आज के बंगाल को, बंगाल में है, बंगाल में था, है नहीं था, ठीक है। यहाँ से कहाँ कहाँ व्यापार किया जाता था, उत्तर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और कहाँ कहाँ, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा तक व्यापार होता था। किससे? ताम्रलिप्ति से, ठीक है। और ताम्रलिप्ति का वर्तमान नाम है मिदनापुर। ताम्रलिप्ति का वर्तमान नाम है मिदनापुर, और जो कि कहाँ पे है, ताम्रलुक स्थान है यही मिदनापुर में। मिदनापुर में एक जगह का नाम है ताम्रलुक, ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है आज के समय में, ठीक है। और एक और बंदरगाह है पश्चिमी क्षेत्र का है, तो पूर्वी क्षेत्र में हुआ ताम्रलिप्ति, पश्चिमी क्षेत्र में है भृगुकच्छ। भृगुकच्छ को आज के समय में भड़ौच बोलते हैं, ठीक है। तो भृगुकच्छ में क्या था, भृगुकच्छ से पश्चिमी देशों को व्यापार किया जाता था, ठीक है। चलिए देखते हैं, अच्छा भृगुकच्छ है, भड़ौच कहते हैं, पश्चिमी देशों के साथ व्यापार यहीं से होता था, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही है, अब उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि उसकी वहाँ उस समय व्यवस्था कैसी रही। तो उस समय उनकी व्यवस्था जो रही है वो कैसी रही, इसमें श्रेणी लोग, श्रेणी होती थी, और जो श्रेणी थी वो क्या थी, व्यापारियों का संगम होता, संगठन होता था। ये श्रेणियाँ जो थी वो क्या थी, ये श्रेणी जो थी वो क्या थी, व्यापारियों का संगठन था। श्रेणी हम किसको बोलते हैं, व्यापारियों के संगठन को बोलते थे श्रेणी उस समय, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर अब क्या है इसमें। तो व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन के लिए श्रेणियों का विशेष महत्व था। अब श्रेणी के बारे में जान गए, व्यापारियों का संगठन होता था, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनका काम क्या क्या थे। तो इनके काम क्या थे भाई, इनके काम थे व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन के लिए इनका विशेष महत्व होता था। दूसरा, अपने सदस्यों पर इनका न्यायिक अधिकार था, सही बात है। तीसरा था, वेतन, काम करने के नियम, मानक और कीमत का निर्धारण यही श्रेणियां ही करती थीं, ठीक है। क्या क्या, वेतन, काम करने के नियम, मानक तथा कीमत का निर्धारण श्रेणियां ही करती थी, ठीक है। चौथा, कि अपने नियम स्वयं बनाते थे, राजा का हस्तक्षेप नहीं होता था, ये चीज अच्छे से समझ जाएं, अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, ये सारा काम अपना खुद करते थे, ठीक है। अगला है, हाँ ये देखिए लिखा भी गया है इसमें कि संचालन में राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उद्योग केंद्र के बारे में। उद्योग केंद्र के बारे में देखते हैं कि वस्त्र उद्योग है तो वस्त्र उद्योग के बारे में क्या क्या है भाई। वस्त्र उद्योग के बारे में अगर देखें, पहली बात तो इनका जो उद्योग रहा है वो सबसे प्रमुख उद्योग माना जाता था वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ थे ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जो इनका वस्त्र उद्योग क्षेत्र था वो गुजरात है, बंगाल है, दक्कन है, तमिलनाडु है। गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु जो था वो वस्त्र उत्पादन केंद्र हुआ करता था। अब इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र भी है, आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र होता है, व्यापार केंद्र हैं हमारे पास, तो उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र थे, वो कहाँ कहाँ थे वो ध्यान रखना है। और ये गुप्तकालीन है, ना कि किसी और काल से जोड़ें आप लोग। ये कौन कौन से हैं, ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ, अरिकामेडु, कावेरीपत्तनम, मुजिरिस प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेरिकम, ये जो हैं इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र थे, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
आगे देखते हैं, धन्वंतरी का नाम लिया था हमने, धन्वंतरी का हमने नाम लिया था तो क्या थे, महान चिकित्सक थे, ठीक है, क्या थे वो, आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित कौन थे, धन्वंतरी। इसमें एक नाम और है चरक, चरक का नाम चरक व सुश्रुत में, ठीक है, चरक परिणति है कि चरक और सुश्रुत में आयुर्वेद और चिकित्सा क्षेत्र में जो विकास हुआ वो चरक परिणति में किया गया, जो चरक और सुश्रुत के साथ। दूसरा सूत्र सुश्रुत संहिता है एक किताब, सुश्रुत संहिता एक किताब का नाम है, और यह जो है चिकित्सा के ज्ञान कार्य कुशलता को समान महत्व दिया गया है, इसमें चिकित्सा का ज्ञान और कार्य कुशलता को समान महत्व सुश्रुत संहिता में दिया गया है, ठीक है। चरक संहिता, चरक संहिता कनिष्क के समय में हमने बताया था चरक के बारे में, चरक नागसेन इन सब के बारे में, बाण भट्ट हैं, तो इन सब के बारे में हमने बताया था पिछले वीडियो में जब हम पढ़ा रहे थे क्या, मौर्योत्तर काल, ठीक है, तो ये तो ठीक है। आगे देखते हैं, एक है भास्कराचार्य, भास्कराचार्य कौन है, भास्कराचार्य जो हैं वो खगोलज्ञ हैं और गणितज्ञ भी हैं, भास्कराचार्य गणितज्ञ और खगोलज्ञ दोनों हैं, ये भी प्रश्न आ चुका है पहले, उम्मीद है फिर से पूछा जाए। इनकी किताबें रही कौन कौन सी, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि इनकी किताब रही है, और दूसरी किताब का नाम है लीलावती, ठीक है, लीलावती बीजगणित पर आधारित है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और सिद्धांत शिरोमणि किस पर आधारित है, सिद्धांत शिरोमणि खगोल शास्त्र पर आधारित है भाई, सिद्धांत शिरोमणि खगोल शास्त्र पर, और लीलावती बीजगणित पर, ठीक है, बीजगणित पर आधारित है, ठीक, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एक चीज और हम आपको, अच्छा चलिए आगे देखते हैं क्या है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत है वो जो है गणित से संबंधित है, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीयम ये किससे संबंधित है, सूर्य सिद्धांत से संबंधित है, ये सूर्य सिद्धांत से संबंधित कौन सी किताब है, सूर्य सिद्धांत और नहीं गणित से संबंधित है, ठीक है, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीयम दोनों क्या हैं, गणित से संबंधित किताबें हैं, ठीक है ना, ये चीज। अब इसमें क्या क्या बताया गया ये ध्यान रखना है, देखिए जैसे नीचे दिया भी गया है, त्रिकोणमिति का ज्या, कोज्या और उत्क्रमज्या का उल्लेख मिलता है और कब, चौथी शताब्दी AD, ठीक है, तो सूर्य सिद्धांत और आपके आर्यभट्टीयम दो किताबें हैं, ये गणित से संबंधित हैं, इनमें कौन कौन सा, त्रिकोणमिति का ज्या, कोज्या और उत्क्रमज्या का सिद्धांत मिलता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किया गया है, ब्रह्मगुप्त के द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किया गया है, वो भी सातवीं शताब्दी में, सातवीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त के द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किया गया है, ठीक है। इनके कुछ सिक्के भी रहे हैं, सिक्कों के बारे में देख लेते क्या है, जो गुप्तकालीन सिक्के रहे हैं, स्वर्ण सिक्के जो थे उनको दिनार बोलते थे, ठीक है, स्वर्ण सिक्के जो थे उनको दिनार बोलते थे, और चांदी का सिक्का हमने बताया था जब उन्होंने शक को पराजित किया था, किन ने, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, तो उन्होंने शकारी की उपाधि धारण की, शक विजेता कहलाए, और उसके साथ साथ इन्होंने रुपया नाम का चांदी का सिक्का भी चलाया, तो रुपया नाम का एक चांदी का सिक्का भी था, तो चांदी का सिक्का कौन है, रुपया या रूपक, और सोने का सिक्का है दीनार, ठीक है। अच्छा एक चीज ये है, एरण अभिलेख के बारे में हम गुप्त काल पढ़ रहे हैं, तो एक चीज हमको भी ध्यान रखना है, एरण अभिलेख,
इसमें एक सबसे पहले घटना यहीं पर मिलती है, वो क्या है कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य यहीं से मिलता है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य जो है यहीं से मिलता है, और इसमें किसके सती होने का वर्णन किया गया है, एक इनके सेनापति रहे हैं गोपराज, एक इनके सेनापति रहे हैं गोपराज, उनकी स्त्री के सती होने का प्रमाण मिलता है। तो कहाँ से मिल रहा है? एरण अभिलेख से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पहले सिक्के के बारे में देख रहे हैं, तो सिक्के कौन कौन से हैं भाई? स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जा रहा है। समुद्रगुप्त के टाइम में 6 स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी, वो कौन कौन सी थी? गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेध, व्याघ्रहनन और बीड़ावादन। ये 6 सिक्के हैं, कौन कौन से? गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेध, व्याघ्रहनन और बीड़ावादन। ये 6 सिक्के समुद्रगुप्त के समय में सोने के थे, चलाए गए थे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब दैनिक क्रय विक्रय की अगर बात करें तो उसमें कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कौड़ियों का प्रयोग दैनिक क्रय विक्रय के समय में किया जाता था, और यह चीज़ कौन बता रहा है? फाहियान बताता है। ये चीज़ फाहियान बताता है कि जो दैनिक क्रय विक्रय होता था वो कौड़ियों से होता था। ठीक है, चलो, सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति जो स्थल है वो भरतपुर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये भी ध्यान रखना, जो सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल है वो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। चांदी के सिक्कों को देखिए, हमने बताया था चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सबसे पहले सिक्के जारी किया गया था। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, हमने श्रीगुप्त के बाद किसके बारे में पढ़ा? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, और चंद्रगुप्त प्रथम के से ही सबसे पहले सिक्के जारी किए गए थे, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही। ठीक है, ये भी चीज़ आपको क्लियर हुई। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जो गुप्तकालीन है, गुप्तकाल है, उसको प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सोना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया था क्या? नहीं, कला और साहित्य में प्रगति हो गई थी बहुत ज़्यादा, कला और साहित्य में प्रगति हुई थी, में क्या हुई थी? प्रगति हो गई थी, इसलिए इसको प्राचीन का भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हो सकता है कि आगे ना रहा हो तो हम अभी बता दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। वही बताया था हमने कि सती प्रथा का पहला अभिलेख ही साक्ष्य एरण अभिलेख में प्राप्त हुआ है, वो भी 510 ईस्वी में, हमने नहीं बताया था, तो 510 एडी भी ध्यान रखना है। गोपराज सेनापति थे, उनकी मैडम मैडम के सती होने का प्रमाण मिलता है इसमें। ठीक है, गुप्त काल में कला साहित्य में हुई प्रगति के कारण इसको स्वर्ण युग कहा जाता है प्राचीन भारत का। अजंता की 3 गुफाएं जो हैं वो गुप्त काल की हैं, अजंता की जो 3 गुफाएं हैं वो गुप्त काल से ही संबंधित हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है कि गुप्त काल जो राजकीय भूमि थी उस पर जो काम करते थे, राजकीय भूमि पर जो काम करते थे, खेती करते थे, उनको राजा के लिए, राजा को कर के रूप में 1/6 भाग देना पड़ता था। तो कर कितना दिया जाता था? 1/6, मतलब अगर 6 किलो राशन पैदा हुआ है तो उसमें से 1 किलो राशन आपको राजा को देना पड़ेगा, अपनी स्वेच्छा से नहीं, मतलब वो निश्चित है कि उतना तो आपको देना ही। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा ये ध्यान रखना है। कुछ कर रहे हैं जैसे विदक भागम, इनके इस पे क्वेश्चन प्रश्न आए हुए हैं पहले एग्जाम में, आपके परीक्षा में, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना है। एक है विदक भागम, ये क्या है? विदक के भाग जाए? नहीं, विदक भागम या फिर नाम है उदक भागम, उदक भागम या विदक भागम नाम है।
तो ये क्या है भाई? ये है सिंचाई कर। सिंचाई कर को उदक भागम या विदक भागम कहा जाता था, ठीक है। दूसरा चीज क्या भाई? दूसरा है हिरण्य, ये भी एक टैक्स है। जो ये हिरण्य है वो नकद कर होता था, ये नकद कर होता था, नकद कर को हिरण्य कहा जाता था, इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ में एक चीज और है कि रेशम के लिए कोसे का प्रयोग किया जाता था। रेशम रेशम के लिए कौशे क्या है? कौशे शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये भी आपको हो गया। साथ में एक चीज और है कि शूद्र और महिला, जो स्त्री और शूद्र थे वो प्राकृत भाषा बोल सकते थे, ठीक है। उन पर कोई पाबंदी नहीं थी बोलने में, वो चाहें तो स्त्री और शूद्र दोनों प्राकृत भाषा बोल सकते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है शूद्रक लेखक है, शूद्रक के बारे में हमने पहले ही बता रखा है। तो शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अभी आगे भी है और बहुत सारा है। आगे है कि गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे, ठीक है। सबसे ज्यादा दान गुप्त वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और मंदिरों को दिया था। यही रीजन रहा है कि सामंतवादी प्रथा का प्रचलन शुरू होता है अब, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। तो सामंतवादी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? गुप्त काल से, कि ये लोग बहुत ज्यादा दान दिए, जब भूमि दान बहुत ज्यादा किए लोग, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे देखिए है, राजकीय वाले ठीक है, उपज का 1/6 भाग देते थे। सिंचाई कर को विदक भागम उदक भागम भी कहा जाता था, ठीक है ना। हिरण्य जो था मौर्य काल में लिया जाने वाला नकद कर हुआ करता था, ये भी बता दिए। गुप्त गुप्तोत्तर काल में कोशीय रेशम के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता था। स्त्री शुद्ध प्राकृत भाषा बोल सकते थे। अब आते हैं मृच्छकटिकम के बारे में, थोड़ी सी जानकारी हो जाए हमें। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है। यह गुप्तकालीन शासन व्यवस्था तथा नगर जीवन का वर्णन करता है। जो मृच्छकटिकम है गुप्तकालीन शासन व्यवस्था और नगर जीवन का वर्णन करता है, मृच्छकटिकम नामक किताब, ठीक है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा है इसमें चारुदत्त हैं, एक जो ब्राह्मण सार्थवाह के सार्थवाह हैं, और एक लड़की है, नाम है वसंत सेना। मृच्छकटिकम में चारुदत्त जो कि ब्राह्मण सार्थवाह थे, और वसंत सेना एक लड़की है जो कि गणिका की पुत्री थी, इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है मृच्छकटिकम में, ठीक है। तो प्रेम कथा हमेशा से चली आई है, हमेशा से प्रेम कथा लिखा जा रहा है, प्रेम कथा को वर्णन किया जाता। तो ध्यान रखना कि प्रेम कथा जो है मृच्छकटिकम में है, किसकी है? तो ये भी ध्यान होना चाहिए कि चारुदत्त जो कि ब्राह्मण सार्थवाह थे, और एक थी वसंत सेना जो कि गणिका की पुत्री थी, ठीक है ना। ये चीज भी ध्यान रखना आपको। चलिए कुछ शासन व्यवस्था पे देख लेते हैं। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था कैसी थी भाई? गुप्तकालीन जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी, ठीक है, प्रजातंत्रात्मक नहीं, राजतंत्रात्मक थी। दूसरी चीज, शासक जो थे वो दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और राजा लोग दैवीय उत्पत्ति में विश्वास कर रहे हैं। भूमिदान परंपरा का विस्तार हुआ है इस समय। शासन का स्वरूप केंद्रीकृत नहीं था बल्कि संघात्मक था, ये भी ध्यान रखना है। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था जो थी वो केंद्रीकृत नहीं थी, वो संघात्मक थी, मतलब अनेक छोटे राजाओं का भी राजा होता था। अनेक छोटे राजाओं का राजा था कौन? गुप्त काल में, ठीक है। चलिए, सामंत और प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे, ठीक है भाई। वो भी राजा हैं अपने क्षेत्र में, तो जब राजा हैं तो राजा की तरह व्यवहार करेंगे ना वो, ठीक, ये चीज है। चलिए आगे भी है कुछ,
आगे अब कुछ भी है, थोड़ा सा है, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण। एक चीज ध्यान रखना है कि शतरंज का जो खेल है वो जो है गुप्त काल में ही शुरू हुआ है। शतरंज का खेल गुप्त काल में शुरू हुआ और इसको शतरंज, पहले हम लिख देते हैं शतरंज, गुप्त काल में शुरुआत मानी जाती है इसकी। गुप्त में नाम था इसका चतुरंग। क्या नाम था? चतुरंग नाम था। अब ये चतुरंग जो है पहले कहाँ गया? भारत में तो था ही, फिर वहां से भागता चला जाता है ईरान, कमाने खाने गया होगा। फिर ईरान में जब वो उसका कमाई धमाई अच्छी नहीं चली तो क्या किया, चलो भैया यूरोप भाग चलते हैं। तो कहाँ गया? कहा यूरोप चलते हैं, यूरोप में बहुत कुछ है, इसको भी जानकारी थी यूरोप के बारे में। तो ये क्या किया, ईरान से निकल के सीधा यूरोप पहुंच गया। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी, थोड़ा शतरंज है खेल है इसलिए बताएंगे आपको। ठीक, चलिए अब देखते हैं थोड़ी सी गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण, फिर इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे आज। तो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या क्या रहा है? होड़ों का आक्रमण, जैसे हमने बताया था, स्कंदगुप्त, बालादित्य, ये लोग थे। तो बालादित्य ने मिहिरकुल को पराजित किया था और एक मालो के, मालो के शासक रहे हैं, क्या नाम था, यशोधर्मन। इन दोनों ने मिहिरकुल को पराजित किया, स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था। तोरमाड़ और मिहिरकुल के बारे में हमने पढ़ा भी है। दूसरा, प्रशासन का जो सामंतीय ढांचा था वो भी गुप्त काल के पतन का एक कारण है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, उत्तरवर्ती जो गुप्त शासक रहे वो बौद्ध धर्म को लोग स्वीकार कर लिए, ऐसा लिखा गया है। कोई धर्म स्वीकार करने से क्या मतलब होता है, लेकिन इतिहास है, बताया गया है कि जो उत्तरवर्ती गुप्त शासक रहे वो क्या किए कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए, तो उससे भी इस पर असर पड़ा। ठीक है, चौथी चीज है, नगरों का क्रमिक पतन होने लग गया था इस समय। अब उसमें कुछ नगर हैं जैसे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र एक गांव बन के रह गया था, मथुरा, कुम्रहार, ठीक है, सोहगौरा और सोनपुर, मथुरा, कुम्रहार, सोहगौरा, सोनपुर और पाटलिपुत्र, ये सब क्या थे, ये नगर थे पहले, इनका पतन हो रहा था, पतन होना इनका शुरू हो गया था। ये भी एक रीजन है कि गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो में कमी क्या है, जो कमी होगी उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। साथ में लाइक करने के साथ साथ कमेंट करें, कमेंट करके क्या कमेंट करने, उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, उनको भी इससे इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, उनकी भी हेल्प होगी, तो आप लोग उनको भी शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम या समय समय से पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।